दिनेश जी, बाबा भोले की नगरी में और सरस्वती जी के चरणों में मेरा बंधन है और अभिनंदन है। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, सभागार में उपस्थित वरिष्ठजन और अभिभावकगण, विद्यार्थीगण, सभी को मेरा नमन है। जैसा अच्छा काम किया है और ये कृषि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य था कि मैं अपने एरिया में बहुत अच्छा काम करूंगा। जो इन्होंने कर रहे हैं ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ लिख के जाता है ना, बाहर नौकरी करने की कोशिश करने लगता है कि मैं बाहर जाकर अच्छी नौकरी करूंगा, लेकिन विनीत जी ने अपने जिले के लिए कार्य किया है, अपने समाज के विकास के लिए उन्होंने विकास किया है। ये बधाई के पात्र हैं जो अपने एरिया में रह करके अपने समाज में, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने बच्चों के माध्यम से, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से नाम रोशन करा रहे हैं इस एरिया का, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेलेक्ट हो रहे हैं। हम लोगों के समय में इस एरिया में मतलब कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट, मतलब उस टाइप का कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, जो विनीत जी ने एक सराहनीय कार्य किया है इस एरिया के लिए, जो यहीं पर रह करके ना जाकर बाहर, यहीं से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं, यही है।